Hi viewers, welcome to the video of compound interest by online live classes. In this video, I will be explaining you the concept of compound interest and the various type of questions jo exam mein iske aate hain. To start off with, let us understand the difference between compound interest and simple interest. Let us say for example, maine aapko principal diya 1000 rupees ka at the rate of 10% फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट. तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट मुझे ईयरली पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी 10% ऑफ द प्रिंसिपल. सो दैट वुड बेसिकली बी 100 रुपीज पर ईयर. सो टोटल फॉर 5 ईयर्स यू हैव टू पे मी 100 × 5, दैट इज 500. इससे ये समझ आता है कि जो SI है उस केस में प्रिंसिपल जो है वो फिक्स्ड है, तो आपका ईयरली रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा. लेकिन यही अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लेट अस से अगर आपको प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज, तो आपने अगर मुझे रेट पे करना है 10%, तो फर्स्ट ईयर में यू विल बी पेइंग मी 100 रुपीज. इन सेकेंड ईयर जो मेरा प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके बन जाएगा 1000 + 100, दैट इज 1100. और सेकेंड ईयर में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट यू विल बी पेइंग 10% ऑफ 1100, दैट इज 110. तो थर्ड ईयर में मेरा जो प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट वुड बी 1100 + 110, दैट शुड बी 1210. सो माई इंटरेस्ट विल बिकम वॉट, 121. सो बेसिकली हर साल जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज होता जा रहा है और आप चेंज प्रिंसिपल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. सो बेसिक डेफिनेशन जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कहते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एन इंटरेस्ट रेट इन विच आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. बिफोर वी मूव फर्दर, kindly note down these formulas for compound interest. That is, compound interest ka jo formula rehta hai for annual rate of charge, that is per year rate of charge, that is given by compound interest will be given by amount is equals to, it will be given by amount is equals to principal into 1 plus r by 100 whole to the power t. जहाँ पे ए आपका अमाउंट है, पी आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट पर एनम है और टी आपका टाइम है इन ईयर्स. अगर यही आपको निकालना है सेमी एनुअली के केस में, सेमी एनुअली मींस हर 6 6 मंथ्स के बाद आपको रेट मिलता रहेगा. सो उस केस में आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/200 टू द पावर 2t, where A is the amount, P is the principal, R is the rate per annum, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तभी यहाँ पे R by 200 आ रहा है, क्योंकि एक सेमी एनुअल का मतलब हुआ एक साल में 2 सेमी एनुअल्स होते हैं, 6 6 मंथ्स के बाद सेमी एनुअली काउंट होता है और T आपका रहता है टाइम इन ईयर्स. यही अगर आपको क्वार्टरली कह दिया जाए, क्वार्टर मीन्स व्हाट, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. So basically principal will become, amount will become principal into 1 plus r by 400 whole to the power 40. जहाँ पे A आपका amount है, P आपका principal है, आपका R जो है वो rate per annum है और T आपका time है. जो last formula इसमें आप use कर सकते हैं, that is कि अगर different time period के लिए different rates दे रखे हैं, so amount will become टू दी पावर टाइम 1, आर टू रेट फॉर द टाइम पीरियड आर टू एंड सो ऑन. अब इसमें देखिए, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो अमाउंट का दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप अमाउंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना. हाउ टू कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. आपको जो भी मैंने फॉर्मूलाज नोट करवाए हैं वो फॉर्मूलाज नोट करिए और वहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिए. बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन, काइंडली मेक इट श्योर दैट आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो बाय हार्ट याद हैं. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट रवि राज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000
at compound interest at the rate of 10% per annum for a period of 3 years. How much amount will Ravi Raj get after 3 years? So अब आपको यहाँ पे उसने principal दे रखा है 10,000, rate दे रखा है 10% और time दे रखा है 3 years. और आपसे पूछा गया है amount. So let us try to use the formula, that is amount is given by principal 1 plus rate by 100 to the power time period. So principal is 10,000, rate is 10%, time period is 3 years. So this will become 10,000 into, if I solve this thing, this would be 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड. सो दिस बिकम्स 13310 व्हिच इज देयर इन ऑप्शन नंबर 4. आई होप सबको वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन निकालना यूजिंग दी फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा. एक बार आप यहां पे वीडियो को पॉज करके काइंडली नोट डाउन दी सॉल्यूशन एंड देन मूव ऑन विद दी फर्दर वीडियो. अब एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का था फॉर्मूला वाली अप्रोच, बट देयर इज अनदर अप्रोच. अगर आपको फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता तो हाउ कैन वी डू दैट. नाउ आई नो दैट जो मेरा प्रिंसिपल है वो 10,000 है और उस पे जो रेट पे होना है दैट इज 10%, यानी कि 3 इयर्स के लिए, दैट इज ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. जो प्रिंसिपल पे सिर्फ चार्जिंग होनी है वो 10% होनी है, दैट इज 10% ऑफ 1,000 वुड बी 1,000 रुपीज. सो बेसिकली मुझे 1,000 तो मिलना ही मिलना है 3 इयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जिंग होनी है वो चार्जिंग हो रही है प्रिंसिपल पे. बट मूविंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करता है. सो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी मुझे 10% मिलेगा अगले 2 सालों के लिए. सो 10% ऑफ 1,000 वुड बी वॉट 100 फॉर 2 ईयर्स. सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे 10% मिलेगा इन द थर्ड ईयर, एंड जो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है उस पे भी 10% मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो आप देख सकते हैं कि टोटल में मेरे पास जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा है वो हो रहा है 3310. सो माय अमाउंट वुड बी व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट वुड बी 13310. काइंडली ये सेकेंड वाली अप्रोच के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है एंड इट मेक्स आवर कैलकुलेशन वेरी लेस. काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन. वंस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट देन ओनली मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 1,000. तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 1,000 इन 1 ईयर, ये आपका टाइम पीरियड है 1 ईयर, एट 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज 1,000, टाइम इज 1 ईयर. अब 1 ईयर अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं तो बेसिकली 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स हो गए, तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा. एंड माय रेट इज 5% पर एनम. सो 5% पर एनम को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, सो इट वुड बी 2.5 ईयर्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हमें सेकेंड वाली अप्रोच को ही बिल्ड करना है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट वुड बी एट द रेट ऑफ 2.5%. सो इफ आई कैलकुलेट 2.5% ऑफ 1,000, सो 2.5% ऑफ 1,000 वुड बी ₹25 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ₹25 फॉर द नेक्स्ट ईयर. यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला ऑल्सो. नाउ अब इस इंटरेस्ट पे मुझे सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट मिलना है, दैट वुड बी वॉट 2.5% ऑफ दिस. अब हाउ टू कैलकुलेट 2.5% ऑफ दिस. लेट अस से अगर मैं इसका 1% कैलकुलेट करता हूँ तो माई 1% वुड बी 0.25, अगेन 1.25 एंड देन हाफ ऑफ दैट, बिकॉज 2.5% मीन्स वॉट 1%, 1% एंड 0.5%. सो बेसिकली जो मेरा टोटल इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा है दैट इज 25 प्लस 25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.125, दैट वुड बी 25 प्लस 25 इज 50, 50 प्लस 0.25
625, so जो टोटल अमाउंट बनेगा दैट वुड बी प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट दैट वुड बिकम 1050.625। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे जो मेरा नियरेस्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज 1050। अगर यहाँ पे ये अप्रोक्स वर्ड ना यूज कर रखा होता तो माई आंसर वुड हैव बीन नन ऑफ दिस। काइंडली पॉज द वीडियो, रिवाइंड इट, वॉच दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इफ क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। तो मेरा जो प्रिंसिपल है दैट बिकम्स 10,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम पेड क्वार्टरली। सो माई रेट इज 4% दैट इज पर एनम। सो क्वार्टर के केस में हम डिवाइड कर देंगे 4 से। सो माई इफेक्टिव रेट वुड बी 1% दैट इज क्वार्टरली। नेक्स्ट माई टाइम पीरियड इज इन 9 months। अब टाइम पीरियड जो आपको दे रखा है वो मंथ्स में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट करिए ईयर्स में बाय डिवाइडिंग इट बाय 12 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 4। क्यों? क्योंकि एक साल में 4 quarters होते हैं। सो इफेक्टिवली मेरे पास टाइम पीरियड जो आ गया दैट इज 3। तो मुझे 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 1%। अब इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ईयर में 1% ऑफ दिस वुड बी वॉट, 100 rupees। सेकेंड ईयर 100 rupees, थर्ड ईयर 100 rupees, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग हो रही है। अब सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना है और थर्ड ईयर में भी। सो 1% ऑफ दिस वुड बी वॉट, 1 and 1, एंड इसका 1% वुड बी 1। नाउ इस वाली वैल्यू का 1% वुड बी वॉट, दैट वुड बी 0.01। सो टोटल जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए दैट वुड बी 303.01। सो इफेक्टिवली आई कैन सी दैट द नियरेस्ट ऑप्शन है मेरे पास दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 quarters विल बी 303.01 एंड द आंसर शुड बी 303 अप्रॉक्स। Kindly pause the video, note down the solution and then move on to the next question. Question 4. Rupees 5000 is borrowed at compound interest at the rate of 1% for the first year, 2% for the second year, 3% for the third year. Find the amount to be paid after 3 years. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका principal है that is 5000 और यहाँ पे जो रेट पे हो रहा है वो डिफरेंट ईयर पे डिफरेंट रेट पे हो रहा है। दैट इज जो आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली हैं उस पे 1%, 2% और 3% जो है वो रिस्पेक्टिवली पे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप सिमिलर अप्रोच से कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो फर्स्ट ईयर पे 1% पे हो रहा है 5000 का, दैट वुड बी रुपीज 500 फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 2% पे हो रहा है दैट इज 1000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर पे 3% पे हो रहा है दैट इज 1500 फॉर द थर्ड ईयर। अब इस इंटरेस्ट पे जो अगले साल इंटरेस्ट पे होना है दैट इज बाय द रेट ऑफ 2%। सो इसका 1% वुड बी 5 rupees। सो 10% शुड बी, सो 2% शुड बी रुपीज 10 और इसी के ऊपर थर्ड ईयर में जो पे होना है दैट इज 3%। सो इसका 1% इज 5 एंड 3% वुड बी 15। अब इस पैसे के ऊपर जो पे होना है दैट इज 3% फॉर द थर्ड ईयर। सो इसका 1% वुड बी रुपीज 10। सो 3% वुड बी रुपीज 30 एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे होना है दैट इज फॉर द थर्ड ईयर इज 3%। सो इसका 1% वुड बी 0.1, सो 3% वुड बी 0.3। सो टोटल में जो पैसा पे होना है दैट इज 500 प्लस 1000 इज 1500, 1500 प्लस 1500 वुड बी 3000, 3000 प्लस 10 इज 3010, 3040, 3055। सो द टोटल अमाउंट या टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड इज 3055.3। बट हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है सो माई कंप्लीट आंसर शुड बी
option number 5, that is none of these. Kindly note down the solution and then move on to the next question. Question number 5 says that find the amount on rupees 4000, ये आपका principal हो गया, for 2.5 years at 6% compound interest. अब आप देखिए इस question में difference क्या है, इस question में जो time period है वो 2 years complete है और जो 3rd year है उसका सिर्फ आधा है. So हम करेंगे क्या, principal हमारा 4000 है, rate हमें दे रखा है 6%, टाइम हमारे पास है 2.5 इयर्स. इसका मतलब हम फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो पूरा कैलकुलेट करेंगे और जो थर्ड ईयर है उसके लिए सिर्फ आधा लेंगे हम. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, दैट इज अगर मैं देखूं मेरे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और जो मेरा 0.5 ईयर है उसके लिए. सो फर्स्ट ईयर में दैट वुड बी 4000 का 6%. सो 6% ऑफ 4000 वुड बी गिवन बाय 24. 6000 का सॉरी 6% ऑफ 6% ऑफ 4000 इज 2400 डिवाइडेड बाय 100, दैट वुड बी 24 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर, 24 रुपीज फॉर द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो है वो आधा है आपका. सो दैट वुड बी गिवन बाय 12. नेक्स्ट अब इस 24 के ऊपर आपको 6% मिलेगा सेकंड ईयर में, that would be again given by 1.44 and iska aadha milega aapko next year mein, that is 0.72. ab is 24 ka 6% aapko milna tha third year mein, but next year being half to uska bhi half milega aapko, that would be 0.72 over here. aur is 1.44 का 6% would be 0.0432. So let us add this and get the total value of the interest, that is 24 plus 24 plus 12 plus 1.44 plus 0.72 plus 0.72 plus 0.0432. So total में जो interest बेटे आपके पास आ रहा है, that is 62.9232. So total में जो amount आपके पास वापस आना चाहिए, that should be 4000 plus 62.9232. That should be 4062.9232. Hence, my answer becomes what? None of these, that is the fifth option. Kindly pause the video, note down the solution and then move on to the next question. Viewers, इस question में हमने गलती कर दी, हमने principal को 4000 लेके solve कर, 400 लेके solve कर दिया. So this should be basically 240. This should be 240. This will become 144.4. This will be 120. This will be 7.2. This will be 7.2. And this will be 0.432. So the point hai wo idhar add ho jayega and that would become 629.23. So over here also point will shift towards this. Hence my answer should be option number 1, not option number 5. Kindly do this correction. Question number 6. On what principle will the compound interest for rupees for 3 years at the rate of 5% amounts to rupees 6305. अब आप देखिए यहाँ पे आपसे principal पूछा गया है, time दे दिया आपको 3 years का, rate is 5% और amount आपको दे रखा है 63.05. अब याद करिए हमने percentage के topic में एक logic develop किया था कि rather than taking the unknown quantity to be x, हम यहाँ पे unknown quantity को 100 ले सकते हैं. Let us say my principal is 100, time is 3 years and rate is 5%. So basically मेरा जो first year का interest रहेगा, that would be 5% of rupees 100, that would be 5 rupees. Second year may be 5 rupees और third year may be 5 rupees.
सो सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? दैट वुड बी 5% ऑफ दिस एंड 5% ऑफ दिस इज 0.25. इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑल्सो आई विल गेट 0.25. ऑन दिस ऑल्सो आई विल गेट 0.25. नाउ ऑन दिस वैल्यू आई विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट एज 5% ऑफ 2.25 एंड 5% ऑफ 2.25 इज गिवन बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 0.25 दैट इज 0.0125. सो माय टोटल अगर प्रिंसिपल मेरा 100 था तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट वुड बी 5 + 5 + 5 दैट इज 15 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.0125 दैट इज गिवन बाय 15.7625. सो माय अमाउंट शुड बी प्लस 100 दैट इज 115.7625. अब अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड ओवर हियर दैट इज कि अगर मुझे 115.7625 का इंटरेस्ट चाहिए या अमाउंट चाहिए सो आई नीड प्रिंसिपल टू बी 100. सो वन अमाउंट के लिए माय प्रिंसिपल शुड बी 100 डिवाइडेड बाय 115.7625. तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट दे रखा है आपको? 63.05. सो उसके लिए आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद जीरो. सो लेट अस फाइंड द आंसर दैट इज 100 इनटू 63.05 डिवाइडेड बाय 115.7625. सो माय आंसर शुड बी अराउंड 540. सो माय आंसर शुड बी अराउंड 540 दैट इज फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस. दिस आंसर शुड बी अराउंड 54 नॉट 540. सो द आंसर बिकम्स व्हाट? फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस. Okay, kindly pause the video and note down the solution and then move on to the next question. Question number 7. At what rate percent compound interest will rupees 400 amount to rupees 441 in 2 years? अब यहाँ पे उसने आपको amount दे रखा है, principal दे रखा है और time दे रखा और आपसे rate पूछा. So let us go by the approach of formula first of all. Amount is 441, principal is 400, rate be r percent, time period be 2 years. So if I take this calculation to the other side, this should become 441 by this, 1 plus r by 100 to the power 2, taking square root both sides. So 441 ka square root is 21 and this will be 20. So this will become this. Hence, on solving, r by 100 becomes what? 1 by 20. And further solving r, it becomes 5%. So basically, 5% ke upar jo aapka rate hai, wo aapko 400 ko amount kar dega to rupees 441. Ab ek approach to question solve karne ki ye ho gayi. Second approach, jo agar hum dekhen, wo kya rahegi hamare paas, jo abhi tak humne seekha hai. That is, आप अगर यहाँ पे सबसे इजीएस्ट ऑप्शन देखें तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो 5% है. सो अगर प्रिंसिपल 400 है और हमें पता है कि 2 साल हमें इंटरेस्ट मिलना है तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट रहेगा दैट वुड बी रुपीज 20 दैट इज 5% ऑफ 400. सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट जो रहेगा दैट वुड बी 20 दैट इज 5% ऑफ 400. अब इसके ऊपर भी आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा. सो 10% विल बी रुपीज 2. So 5% will be half of that is rupee 1. तो आप देख सकते हैं total जो interest आपके पास बना that was 41 और amount जो अब बन रहा है that is 400 plus 41 that is 441. Hence आप देख सकते हैं जो question का amount है और जो amount आपने calculate किया है using the second option that is coming same. So आप question को इस approach से भी solve कर सकते हैं. Kindly pause the video, note down the solution and then move on to the next question. Question number 8. A sum of money is placed at compound interest thrice itself in 4 years. अब
जो आपने पैसा दिया, प्रिंसिपल दिया, लेट अस से 100 रुपीज, वो अमाउंट कर जाता है 3 टाइम्स, दैट इज 300, इन हाउ मच टाइम पीरियड, दैट इज 4 ईयर्स. इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 27 टाइम्स इटसेल्फ. अब इस पैसे की हैबिट है कि अपने आप को 3 टाइम्स करता जाता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, तो 100 का 300 बन गया आफ्टर 4 ईयर्स, 300 का 900 बन गया आफ्टर 4 ईयर्स, और 900 का 2700 बन गया आफ्टर 4 ईयर्स. तो अब आप देख सकते हैं 100 का 27 टाइम्स हो गया ये. अब 4 ईयर्स यहाँ लगे, 4 ईयर्स यहाँ लगे, 4 ईयर्स यहाँ लगे, तो टोटल में आपके पास कितना टाइम लगा, 12 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, तो इसको, इसकी जो ट्रिक है वो आप ध्यान में रखिए, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स. प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9, एट व्हाट रेट परसेंट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 फोल्ड्स इन 2 ईयर्स. अब 4 फोल्ड्स का मतलब हुआ आपके पास पैसा 4 गुना हो गया. सो लेट अस ट्राई. प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट बिकम्स 400, सो टाइम बिकम 2 ईयर्स. आपको रेट निकालना है यहाँ पे. अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू 400, प्रिंसिपल विल बी 100, रेट अपॉन 100, द टाइम इज 2 ईयर्स. सो इफ आई टेक द वैल्यू टू द अदर साइड, दिस विल बिकम लाइक दिस. स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू विल बी 2 अपॉन 100. सॉल्विंग इट, आर बाय 100 बिकम्स व्हाट, 1. सो माय रेट बिकम्स 100%, विच इज इन ऑप्शन नंबर 2. काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 10, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 4% इज 510, व्हाट वुड बी द एसआई. अब उसने जो यहां पे कह रखा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, दैट इज 510, व्हाट वुड बी द एसआई. आपको यहां पे एसआई निकालना है फॉर 2 ईयर्स. अब लेट अस ट्राई टू फाइंड द प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल, अगर हम यहां पे 100 लें, अगर प्रिंसिपल 100 है तो रेट बीइंग 4% फॉर 2 ईयर्स, सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 4 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द प्रिंसिपल. एंड सेकेंड ईयर में आपको जो पैसे मिलेंगे, दैट इज 4% का 4, इस 4 रुपीज का 4%, दैट वुड बी 0.16. सो जो टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट शुड बी 8.16. सो अब अगर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करें, दैट इज 8.16 इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल वॉज 100, 1 रुपी इंटरेस्ट के लिए 100 बाय 8.16, एंड क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ, दैट इज 510, सो उसके लिए इंटू 510. सो लेट अस कैलकुलेट द प्रिंसिपल, दैट इज गिवन बाय 100 इंटू 510 डिवाइडेड बाय 8.16. सो माय प्रिंसिपल बिकम्स व्हाट, 6250. आप इसको यहाँ पे एक बार पॉज करके पूरी कैलकुलेशंस को और पूरे मेथड को एक बार अच्छे से समझ लीजिए. सो अब मुझे यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल मिल चुका है 6250. आई हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. माय सिंपल इंटरेस्ट वुड बी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, एंड कैलकुलेटिंग इट आई विल बी गेटिंग माय इंटरेस्ट एज 500. सो माय ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स माय आंसर. काइंडली पॉज द वीडियो and then move on to the next question. Question 11, the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is rupees 100. अब यहाँ पे आपको simple interest दे दिया गया है, कितना, rupees 100. Time period is 2 years and the rate is 5%. Find the compound interest at the same rate and at the same time. अब इस क्वेश्चन को करने की बिल्कुल 2 तरीके हैं. जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो हमने वहां से प्रिंसिपल निकाला और उस प्रिंसिपल के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला सिंपल में.
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स में आ गया है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये रहेगी कि आप सिंपल इंटरेस्ट वाले डाटा से पहले प्रिंसिपल निकालिए और उस प्रिंसिपल के ऊपर टाइम पीरियड 2 ईयर्स एंड रेट 5% से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। बट आई विल नॉट बी यूजिंग दैट मेथड ओवर हेयर। मैं यहाँ पे एक नई अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ, दैट इज आई नो दैट कि हर साल के लिए जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा क्योंकि वो एक्चुअल प्रिंसिपल पे है। तो बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है 100 रुपीज का, जो मेरा 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे रखा है मुझे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज 50 एंड 50। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको पता है जो पहले चार्जिंग हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे करते हैं। सो प्रिंसिपल पे अगर सिर्फ चार्जिंग हो रही है तो उस केस में भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 50 एंड 50। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरे इस वाले फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर मुझे 5% मिलेगा, मुझे 5% मिलेगा। और इसका 5%, इसका 10% होगा 5, और उसका हाफ कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 2.5। सो बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट वुड बी 102.5, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो टोटल में 100 रुपीज है और 2 सालों के अंदर ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 50 एंड 50। और फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रहता है वो सेम रहता है एज द इंटरेस्ट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में भी सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो फर्स्ट ईयर है उस पर सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग है। तो ये वाला जो 50 आपके पास जनरेट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जिंग ऑन प्रिंसिपल। अगर सेकेंड ईयर में भी आप सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्ज करेंगे तो 50 रुपीज ही मिलेगा, और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो 2.5 मिल गया। Hence, my total compound interest will be what? 102.5. Kindly, मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए। टिल द टाइम यू आर नॉट श्योर विद द कॉन्सेप्ट, प्लीज डोंट मूव अहेड विद द वीडियो। क्वेश्चन 12। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 60.60 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹60। फाइंड द रेट पर एनम। अब आपको उन्होंने यहाँ पे 2 ईयर्स के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है और सिंपल इंटरेस्ट बता दिया है। फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम एंड द सम, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? वी कैन सी दैट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 60 रुपीज है 2 ईयर्स का। सो पर ईयर इट वुड बी 30 एंड 30। एंड आई नो दैट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम। सो 60.60 में अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में 30 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग होती है और प्रिंसिपल का चार्ज हमें 30 रुपीज मिल गया। तो सेकेंड ईयर में भी अगर सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्ज होता तो 30 रुपीज ही मिलता। तो इसका मतलब 60.60 में से मुझे 30 और 30 का हिसाब, दैट इज 60 रुपीज का हिसाब मिल चुका है, बट स्टिल मुझे ये 0.60 का हिसाब नहीं मिला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये 0.60 क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट था। तो यहाँ से मैं कोरिलेशन बना सकता हूँ कि 0.60 मुझे मिलता है एज एन इंटरेस्ट ऑन ₹30। तो मेरा जो रेट का फॉर्मूला है, जो मुझे रेट मिलना चाहिए, रेट इज बेसिकली वॉट, वॉट एवर यू इन्वेस्ट। अब आपने इन्वेस्ट किया है 30 रुपीज और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, दैट इज 60, और परसेंट के लिए इनटू 100। सो बेसिकली माय आंसर शुड बी व्हाट, 2%। सो आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 2% आ रहा है। सो इट इज प्रेजेंट इन 3 ऑप्शंस। तो अब यहां से मुझे प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा। फॉर प्रिंसिपल आई कैन यूज द डाटा ऑफ माय सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है मुझे 30 रुपीज का, प्रिंसिपल मुझे निकालना है रेट बींग 2%, टाइम बींग 2 ईयर्स अपॉन 100। सो बेसिकली सॉल्विंग इट, इट बिकम्स व्हाट, इफ आई टेक 100 टू दैट साइड, दैट वुड बी 3000 डिवाइडेड बाय 4। सो माय प्रिंसिपल वुड बी ₹750, सॉरी टाइम शुड बी 1 ईयर ओवर हियर, यहाँ एक मिस्टेक हुई, टाइम शुड बी 1 ईयर क्योंकि हमने 1 साल का इंटरेस्ट लिया था। सो इट शुड बी गिवन बाय
15, so it becomes double. So that would be 1500. अब 1500 जो है वो available है मेरे fourth option में. Hence my rate is 2% and my principal is 1500. Kindly pause करके इस question को अच्छे से एक बार देखिए. Concept clear होने के बाद ही move on to the next question. Question 13. On a certain sum of money, the simple interest for 2 years is 150 at the rate of 3% per annum. Find the difference between CI and SI. अब उसने कहा है कि कुछ आपके पास principal है, उसको अगर आप 2 years के लिए देते हैं 3% पे, तो आपके पास जो SI और CI का, जो SI आता है, वो 150 आता है. So find out the difference between SI and CI. आपको SI और CI के बीच का difference निकालना है. अब एक अप्रोच तो ये रहेगी कि आप जो पहला इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है एसआई की, उससे आप प्रिंसिपल निकालिए और उस प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालिए. बट बहुत लेंथी और बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रहती है, तो उससे बेटर हम लॉजिक यूज करेंगे. आई नो दैट कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो 150 है और अगर ये 2 ईयर्स का है तो बेसिकली 75 और 75 रुपीज डिवाइड हो गए. और हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, तो इसलिए वो इक्वल होता है एसआई के. तो अगर फर्स्ट ईयर में एसआई 75 था तो फर्स्ट ईयर में सीआई भी 75 था. अब सेकंड ईयर में भी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल पे वो 75 ही मिलेगा. जो एक्स्ट्रा मिलना है वो मिलना है इसके ऊपर, दैट इज फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. अब फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 3% ऑफ 75, दैट इज 0.03 इंटू 75, और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज 2.25. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 150 मिल रहा है और यहाँ पे 152.25 मिल रहा है. सो बेसिकली जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो डिफरेंस इज 2.25, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4. काइंडली वीडियो को पॉज करके कंसेप्ट को अच्छे से समझिए. जब तक क्लियर ना हो काइंडली डोंट मूव अहेड. क्वेश्चन 14. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 इयर्स एट 3%. तो अब आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस निकालना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहां पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है. सो लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत सिंपल रहेगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. सो जो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है दैट इज 900 रुपीज. अब हमें पता है ये 900 रुपीज आपके पास इंटरेस्ट आ चुका है. अब देखिए इसके अंदर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाएं तो यहाँ पे पता लग गया हमें कि फर्स्ट ईयर के जो टोटल 3 इयर्स में 900 रुपीज मिल रहा है, तो पर ईयर आपको बेसिकली 300, 300 एंड 300 मिल रहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग करेंगे तो आपको 300, 300 और 300 मिल जाएगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको इंटरेस्ट पे भी चार्जिंग होती है. सो इस 300 के ऊपर आपको 3% मिलेगा नेक्स्ट ईयर. सो दैट वुड बी ₹9. ओवर हेयर ऑल्सो इट शुड बी ₹9. अब सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे भी आपको 3% मिलेगा, दैट वुड बी ₹9. इस 9 रुपीज के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट वुड बी 3% ऑफ 9, दैट इज 0.927. सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है टोटल इंटरेस्ट की दैट इज 927.27, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 900. सो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 27.27, दैट इज एन ऑप्शन नंबर 2. काइंडली पॉज करके वीडियो इस कंसेप्ट को अच्छे से देखिए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द रेशियो ऑफ सी आई इज टू एस आई. सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट. ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स. अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे नहीं रखा, तो लेट अस टेक द प्रिंसिपल टू बी 100. अगर प्रिंसिपल 100 है तो टाइम पीरियड इज 2 इयर्स एंड रेट बींग 5%. सो लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट. माई सिंपल इंटरेस्ट वुड बिकम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सो माई इंटरेस्ट शुड बी ₹10.
इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज रुपीज 10। नाउ लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर 2 साल में 10 रुपीज मिला है तो पर ईयर आपको 5 रुपीज ऐसा ही मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी 5-5 रुपीज तो मिलेगा 2 साल के लिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, और अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्जिंग करेंगे तो आपको 5-5 रुपीज ही मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, सो 10% ऑफ दिस शुड बी 10% ऑफ दिस शुड बी 0.5, तो उसका आधा कर देंगे दैट इज 5.25, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है दैट इज 10.25। अब क्वेश्चन में उसने रेशियो कह रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 10.25 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट बिकम्स 1025 डिवाइडेड बाय 10,000। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट इट यूजिंग द कटिंग मेथड दैट इज यहाँ पे अगर हम कटिंग करें तो इट शुड बी 41 एंड ओवर हेयर इट शुड बी 40, सो माई आंसर शुड बी 41:40, दैट इज एन ऑप्शन नंबर 1। आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि मैंने प्रिंसिपल को 100 लेके उस पर एस आई निकाला और उस पर सी आई निकाला और बाद में उसका रेशो निकाल दिया। काइंडली पॉज द वीडियो and note down the solution and then move on to the next. Next question. What sum of money at compound interest will amount to rupees 480 at the end of 4 years and 576 at the end of second year? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो first year के end में principal amount दे रखा है that is 480. अगर मैं directly इसको formula में put कर दूँ that is 480 1 plus r by 100 टू दी पावर 1, और सेकेंड पार्ट में उसने कहा है सेकेंड ईयर में बिकम्स 576 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 2। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, सो प्रिंसिपल लिखना भूल गया यहाँ पे दैट इज पी। सो प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है सो हाउ शुड बी मूव ऑन विद दिस, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ दैट इज इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, I will be getting 576 divided by 480 और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 plus r by 100, so if I solve it I will be getting 576 minus 480 upon 480 r by 100, that is given by 576 minus 480 will be 96 divided by 480, 96 divided by 480 becomes 0.2, so 0.2 divided by equals to r by 100, so my rate becomes 20%, so आपके पास जो रेट आ गया है दैट इज 20%। अब यहाँ पे मैंने रेट आपको क्यों निकाल के दिखाया है, क्योंकि कई बार पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेट, सो दिस बिकम्स माय रेट इज 20%। अब इसके हिसाब से आई नीड टू कैलकुलेट माई प्रिंसिपल, सो इफ आई कैलकुलेट माई प्रिंसिपल ऑल आई नीड टू डू इज लेट अस पुट दी वैल्यू ओवर हेयर इन दी सेकेंड इक्वेशन, इट बिकम्स 480 प्रिंसिपल एंड इट बिकम्स 120 अपॉन 100, सो ऑन सॉल्विंग दिस दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस बिकम्स 4, सो प्रिंसिपल बिकम्स 400, तो आंसर रहेगा मेरा थर्ड ऑप्शन। काइंडली अपने व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार स्टॉप करके इसको सोल्यूशन को नोट करिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, वंस यू आर डन विद द कंसेप्ट देन मूव ऑन विद द फर्दर वीडियो। अब ये तो आपके पास हुई लंबी वाली अप्रोच, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। हमें पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस केस में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होके एक नया प्रिंसिपल बनाता है और उस प्रिंसिपल पे चार्जिंग होती है हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो आपको अमाउंट मिला ये बिहेव करेगा एज अ प्रिंसिपल फॉर दिस नेक्स्ट ईयर, इट विल बिहेव एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आपको 576 अमाउंट मिलता है, अगर आप 480 एज अ प्रिंसिपल को आर परसेंट रेट पे देते हैं फॉर 1 ईयर, सो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपके पास 576 डिवाइडेड बाय 480 इनटू 1 प्लस आर बाय 100 आता है, जहाँ से आर को सॉल्व करके आपके पास 20% वैल्यू आ सकती है,
और अगर आपके पास आर 20% आ गया तो उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल टेकिंग 480 एज द अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 और प्रिंसिपल सॉल्व करके दिस बिकम्स 400। तो सेकेंड वाली अप्रोच थोड़ी सी ईजी है और थोड़ी सी फास्ट है, सो काइंडली बिल्ड अप ऑन दी सेकेंड अप्रोच, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉज दी वीडियो, नोट डाउन दी सोल्यूशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट क्लियर हो गए एंड हाउ टू कट शॉर्ट विद द कैलकुलेशंस। काइंडली प्रैक्टिस एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें से काफ़ी कैलकुलेशन अगर आप बचाना चाहें, एल्स क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदी अगर आपने इसकी थरो प्रैक्टिस नहीं कर रखी। काइंडली कीप ऑन लाइकिंग, रिव्यूइंग एंड शेयरिंग आर वीडियोज़। थैंक यू।